दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में आजादी के 74 साल बाद भी ऐसे समुदाय हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है और उनके कंधे जिम्मेदारी के बोझ से झुक जाते हैं। ऐसा ही एक काफी पिछड़ा बंजारा समुदाय है, बिहार का नट समुदाय। ये समुदाय बिहार के मधुबनी, दरभंगा, पटना और समस्तीपुर में बसता है। इस समुदाय के लोग सड़कों पर कलाकारी दिखाना, जड़ी बूटी बेचना, सांप नचाना और लोगों की किस्मत बताना जैसे काम करके अपना गुजारा करते हैं। इस समुदाय की लड़कियां सेक्स वर्क करके अपने परिवार का गुजारा करती हैं। नट समुदाय भारत के सबसे पुराने बंजारा कम्युनिटी में से एक है। आज हम आपको मिलवाएंगे नट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शकीला से, जिन्होंने कई सारी चुनौतियों के बावजूद इतनी तरक्की हासिल की कि आज वो यंग लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में अपनी काबिलियत साबित की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशा है और सपनों का हक पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। शकीला बिहार के बसमतिया गांव अररिया की रहने वाली हैं। लाखों लड़कियों की तरह शकीला के भी आसमान छूने के सपने थे। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं। पढ़ाई उनके लिए बेहद जरूरी थी, खासकर इसलिए भी क्योंकि नट समुदाय में सिर्फ 5% लड़कियां ही पढ़ाई पूरी कर पाती हैं। शकीला को अपने परिवार का सपोर्ट था और यूनिसेफ की तरफ से उन्हें हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का मौका मिला। आज तक शकीला के लिए हॉस्टल के वो दिन काफी रंगीन और यादगार हैं। मैं एक बंजारा समुदाय जो मुस्लिम नट समुदाय होता है, मैं ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली हमारे समुदाय में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 5% भी नहीं होते हैं हैंडेड में। लेकिन मेरे मम्मी पापा का उनका एक ये था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, हॉस्टल में मुझे रखा था उन्होंने। हमारे समुदाय में एक्चुअली होता है क्या कि चाइल्ड मैरिज का बहुत ज्यादा केसेस होती है और ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष तक में शादी हो जाती है। शकीला पढ़ाई में अव्वल आती थी और वे अपने सभी सहपाठियों को पीछे छोड़ देती थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, शकीला के परिवार ने उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी। नट समुदाय में ये आम बात है। एक तो सामाजिक दबाव और दूसरा शकीला के मन में ये बात डाल दी गई कि वो समाज के रूढ़िवादी सुंदरता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती हैं। तो ऐसे कि मैं हॉस्टल में रहती थी तो थोड़ा और भी मुझे यानी कि ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने गांव वाले की नजर में या फिर अपने रिश्तेदारों की नजर में। तो सबने मेरे फैमिली को फोर्स करने लगा कि नहीं, लड़की बड़ी हो गई है, इनको बाहर रख के पढ़ाई नहीं मत करवाओ, इनसे हमारा भी जैसे कि हमारे भी एक होता ना इज्जत प्रतिष्ठा के ऊपर, यानी कि ये इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, अगर तुम अपने बच्चे को बाहर रखो रखा रख के पढ़ाओगे तो कल चल के हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि उनको पढ़ाओ करके। तो इन सारे दबाव में आने के बाद मेरे मम्मी पापा ने 10th के बाद 2013 में 2013 में हमारी शादी फिक्स कर दी नेपाल में। एक्चुअली शादी इसलिए भी हो गया था कि मैं थोड़ा देखने में सुंदर नहीं थी और अब मेरे पापा लोग का कहने का ये भी था कि अगर हमारी बेटी सुंदर नहीं है, पता नहीं बाद में ऐसे रिश्ते चलकर आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इनके लिए इनका शादी करवा देना ही ठीक रहेगा। उदया सर्वे के मुताबिक बिहार में लड़कियों की शादी ज्यादातर 18 साल की उम्र में कर दी जाती है। 18 से 22 वर्ष की शादीशुदा लड़कियों में 93% लड़कियां अपनी शादी से जुड़े अहम फैसले जैसे कि अपने वर का चयन खुद नहीं कर पाती। पारिवारिक इज्जत और समाज में बदनामी के चलते शकीला ने शादी कर ली। उनकी शादी नट कम्युनिटी की कई लड़कियों की तरह नेपाल में हुई। शादी के बाद भी शकीला किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं। उन्होंने बिहार में ही प्राइवेट से 12वीं में एडमिशन ले लिया।
शुरुआत के कुछ महीने तो नए घर की खुशी और पति के प्यार में अच्छे से गुजर गए। कुछ ही महीनों बाद शकीला प्रेग्नेंट हो गई। उदया सर्वे से हमें यह भी पता चलता है कि 18 से 22 साल की विवाहित लड़कियों में वर्ष 2018 से 19 तक 93% माँ बन चुकी हैं। शकीला की जुबानी सुने तो ये वक्त उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। 3 महीने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। फीवर था क्योंकि ये प्रेग्नेंट के टाइम ऐसा होता है ना कि सबका अलग अलग एक होता है, किसी को कुछ नहीं होता है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती या फिर उनको खाना बनाकर दे नहीं पाती। तो मैं उनके जब बेबी आ गया मेरे लाइफ में तो मैं उनके बाद ये इतना काम नहीं कर पाती थी। बहुत ज्यादा टॉर्च, अगर मेरी सास भी मुझे मारती या टॉर्चर करती इमोशनली मेंटली या फिर वो मुझे मारती भी या फिर मेरा देवर हो, तो अगर मैं एक ऐसा भी बोल देती ना कि आप मुझे क्यों ऐसा करके रख रहे हो, बात बात पे यही ताना मारती कि तुम्हारी बाप ने क्या दहेज दिया करके ऐसा वैसा, तो मैं बोली कि मुझे दहेज नहीं दिया तो मैं भाग के आपके घर पे नहीं, घर तो जबरदस्ती तो नहीं आई हूँ ना, मुझे आप लोग इतनी अच्छी शादी करके लेके आए हो। अगर मैं इतना भी उनको रिप्लाई कर दू ना तो मेरे हस्बैंड को आते ही वो इतना सुनाती, फिर हस्बैंड का मारपीट अलग था उनका। छोटी सी उम्र में जहाँ शकीला ने अपने पढ़ने लिखने के सपने देखने शुरू ही किए थे, वहीं ना सिर्फ उनकी बचपन में शादी कर दी गई बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ा। उदया सर्वे का डेटा ये बताता है कि बिहार में लड़कियों पर पति द्वारा किए गए शारीरिक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 से 16 में जहां 25% लड़कियों ने शारीरिक हिंसा का सामना किया था, वहीं 2018 से 19 में ये संख्या बढ़कर 39% हो गई। इस हिंसा का उनके मानसिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ता है। शकीला के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिंसा के चलते उनके आत्मविश्वास को भारी चोट लगी। इन सब परेशानियों के बावजूद शकीला ने 12वीं के एग्जाम देने का फैसला किया। एग्जाम के बाद भी हिंसा का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही दिनों में उन्हें घर वापस भेज दिया गया। उन लोगों का ऐसा सोचता कि बहुत ही ज्यादा मैं कमजोर हो गई थी, बहुत ही ज्यादा, कोई ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं बच पाऊंगी करके। इन डर से भी उन्होंने एक बहाना करके रख लिया कि हाँ कौन करेगा, तुम्हारा बेबी होगा तो कोई देखभाल करने के लिए होगा नहीं, तुम अपने मायके चले जाओ। और मेरे हस्बैंड मुझे अपने मायके छोड़ने के लिए आए थे। मैं ये समझ लू कि वो जो हमारे बेबी का 7 महीने का था और हमारे शादी का 10 महीना, तो वो जो हमारा हस्बैंड से एक मुलाकात का, एक प्यार का मुलाकात कहते हैं ना, वो समझी कि वो लास्ट था। इतने अत्याचारों के बाद शकीला ने अपने पति को तलाक दे दिया और ये ठान लिया कि उनके वो सपने जो कहीं पीछे छूट गए थे वो उन्हें साकार करेंगी। शकीला की कोशिश रंग लाई, उन्होंने अपना स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली। एडमिशन लेने के बाद मैं बहुत फिर भी एक अंदर से टूट गई थी ना, तो वो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। तो एक सर थे प्रमोद सर, जो कि मुझे बचपन में कोचिंग करवाते थे, वो किसी स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने मुझसे मिला और बोला कि शकीला तुम बहुत बुरी तरीके में अभी हो, तुम एक काम करो, स्कूल ज्वाइन कर लो, तुम तो पढ़ने में अच्छी खासी छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हो, इस हिसाब से तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम सबसे घुल मिल भी पाओगी अच्छे से। तो मेरी लाइफ की जो फर्स्ट कमाई थी ना, वो 3,000 से शुरू हुई थी मंथली। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दी और वहाँ पे बच्चों को फिर पढ़ाने लगी। बच्चे को पढ़ाने के बाद फिर मैंने वहां से जो पैसा मेरे पास थोड़ा बहुत आया, मैं सिलाई मशीन खरीद ली। 6 सिलाई मशीन था हमारे पास, बाकी सारी लड़कियां आती थी सीखने के लिए। तो फर्स्ट आवर में मैं दिन में स्कूल से जाकर आती और सेकेंड टाइम में मैं लड़कियों की सिलाई सिखाती। इस हिसाब से मेरा लाइफ एकदम पूरा बिजी चलने लगा। शकीला के अनुभव से यह भी पता चलता है कि जहां आपकी लाइफ में आपको पीछे खींचने वाले लोग होते हैं, वहीं आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन या प्रेरणा देने वाले भी होते हैं। शकीला की लाइफ में ये बस एक नए सफर की शुरुआत ही थी। शकीला ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिली। एक रिश्तेदार की मदद से
उन्होंने दिल्ली में मौजूद प्रैक्सिस नामक संस्था में नट समुदाय के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर की इतनी सराहना हुई कि शकीला को उस संस्था के साथ आगे भी काम करने का मौका मिला। शकीला का कहना है कि जिस भी मौके ने उनके दरवाजों पर दस्तक दी, उन्होंने ना सिर्फ उन्हें अपनाया बल्कि उसमें नंबर वन साबित भी हुई। शकीला का अपनी नट कम्युनिटी पर लिखा हुआ पेपर इतना इम्पोर्टेंट और जानकारी पूर्ण था कि उन्हें ये पेपर इंग्लैंड की डरम यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट करने का मौका मिला। इस पेपर के बारे में शकीला से ही सुनते हैं। वो जो मेरा पहला पेपर था, मैंने जो नट समुदाय को के लिए लिखी थी कि जो कास्ट चेंज कर लेते हैं शर्म के कारण, कि हम इन छोटा जाति में लोग ना गिनती करें। तो अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो नट समाज से होते हैं वो अपने आप को पैठान से या वगैरह वगैरह कोई बड़े जाति में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने उनके ऊपर एक पेपर लिखी थी, जो पेपर अभी तक सबसे अच्छा रहा मेरा। और ये पेपर का सिलेक्शन मेरा डरहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी हुआ और वहां मैंने प्रेजेंट भी करी इस पेपर को। शकीला ने अपनी काबिलियत से प्रैक्सिस के जॉब सिलेक्शन का भी एग्जाम पास कर लिया और अब वो वहाँ डेवलपमेंट ट्रेनर की पोस्ट पर जॉब कर रही हैं। आगे चलकर वो लॉ पढ़ना चाहती हैं। इसके लिए वो लॉ के एग्जाम की तैयारी भी कर रही हैं। फ्यूचर के लिए शकीला चाहती हैं कि गवर्नमेंट सभी समुदायों की तरक्की के लिए काम करे, खासकर लड़कों और लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए काम करें, ताकि उन्हें अधूरी शिक्षा नहीं बल्कि पूरी शिक्षा मिले। एक तो वो कह दिया ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहना आसान है लेकिन कैसे बचाओ कैसे पढ़ाओ। उस योजना द्वारा अगर हर लड़की या हर लड़का को ये पता चल जाए कि हमारे लिए कितना रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है तो फिर भी हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्यों बचाएं, अगर इस पे वो काम करे ना तो शायद हो सकता है ये जनरल का हो चाहे एनटी डीएनटी का हो, ये एसटी एससी ओबीसी कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, इन बीचों जो आंसर होगा ना ये हमें कहीं बहुत आगे तक बढ़ने का ये करेगा। शकीला का एक सपना ये भी है कि वो अपने गांव में एक स्कूल खोलें। तो मैं सोच रही कि मैं अभी एक स्कूल ओपन करूं अपने गांव में अपने समुदाय के बीच, और वहां पे ये नहीं होगा कि सिर्फ हमारे ही समुदाय के लोग आएंगे, अदर कम्युनिटी के भी लोग आएंगे। जो पैसे नहीं दे पाएंगे ऐसे स्टूडेंट को हम लेंगे और हमें उनको जो प्राइवेट स्कूल में, जो बड़े बड़े स्कूल में जो टेक्निकल सिस्टम से पढ़ाई कराया जाता है, कार्टून दिखाओ के पढ़ाओ, बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाओ, तो हम उनका जड़ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे का जो नॉलेज है उनका, जो हायर एजुकेशन का, जो रिजर्वेशन का नॉलेज जो हमारे पास है, ये उन्हें उसी एज में मिल जाए ताकि आगे वो किसी का मोहताज ना रहे, कि हमें वो रास्ता दिखाएगा तब हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। इतनी मुश्किलों के बाद भी शकीला ने हार नहीं मानी और बिहार से इंग्लैंड तक का सफर तय किया। अगर हमारा समाज और हमारी सरकार भी शकीला जैसे यंग लोगों का सपनों के सफर में साथ दें, तो हमारे देश के नौजवान कितनी आसानी से इसे तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शकीला की कहानी। शकीला की जर्नी तो अब शुरू हुई है। आप इतिहास पलटा कर देखो, इतिहास में उसी का नाम है जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने हिम्मत ना हारी होकर भी, जिन्होंने कुछ करने का ऑप्शन चुना हो। इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए हमने डेटा प्रोजेक्ट उदया से लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के युवाओं का सर्वे 2 राउंड में किया गया था। यंग लोगों के सपनों के सफर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका खुलासा उदया के डेटा ने किया है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला बहन बॉक्स और चित्रकूट कलेक्टिव की पेशकश है। यह पॉडकास्ट पॉपुलेशन काउंसिल के उदया ग्रांट से संभव हुआ है। बहन बॉक्स एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत में औरतों की कहानियां लेकर आते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।
हमारा हैंडल है @बहनबॉक्स। चित्रकूट कलेक्टिव नारीवादी रिसर्च का काम करती है, खासकर महिला मुद्दों पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिक स्टोरी पर @चित्रकूट कलेक्टिव पर फॉलो कर सकते हैं।